इतकाफ में क्या काम करने चाहिए मोतकफ को क्या काम करने चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए बिनते जब्बार इंडिया से पहली बात तो उन कामों से बचना चाहिए जिससे एतकाफ टूट जाता है एहतिकाफ में लोग बिला वजह मस्जिद से के सहन से बाहर निकल जाते हैं वॉशरूम में जाते हैं तो वॉशरूम से बाहर आके किसी से गपशप लगाना शुरू कर देते हैं तो हर वो काम जिससे अहतकाफ़ टूटता है उससे बचना चाहिए दूसरा अहतकाफ़ में गीबतों से बचना चाहिए बद से बचना चाहिए अहतकाफ़ में भी लोग आजकल जो है वो व्हाट्सएप पे और फ़ेसबुक पे लड़कियों से चैटिंग कर रहे होते हैं जो तो बहुत ज़्यादा बेहुदा हरकत है और जो है से बचें आप और उसमें जो है कि बद से बचें आप जमात की नमाज़ तकबीर उला छोड़ने से बचें आप मस्जिद में रहते हुए भी तकबीर उलै से नमाज़ नहीं हो रही है तो कितनी हर्ज की बात है बक़ी ये कि अपने शेडूल को अहतकाफ़ में मुतन करना चाहिए कि पहले से ही फैसला कर लेना चाहिए मैंने ये दस दिन कैसे गुजारने हैं तो इसमें कितनी तस्बीहात पढ़नी है कितनी तिलावत करनी है और क्या क्या सीखना है ये सब शेडूल पहले से होगा तो आपका अहतकाफ़ में टाइम वेस्ट नहीं होगा लोगों को पता ही नहीं होता जाने के बाद सोच रहे होते हैं हमने करना क्या तो सोचने सोचने में पाँच दिन गुजर जाते हैं फिर पाँच दिन के बाद ख्याल आता है कि पाँच रह गए तो अब क्या शेड्यूल बनाना तो इसलिए पहले से एतकाफ़ में बैठने से पहले अपनी तरतीब बनाए वो तरतीब इतनी मुश्किल ना हो कि उस पर अमल ही ना हो सके एक साहब ने अपना मुझे शेड्यूल बताया अहतकाफ़ का इतनी तस्बीहात इतनी तिलावत मैंने कहा भाई ये चलेगा नहीं दो दिन के बाद आप ख़ुद ही छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे तो आमाली मा हब्बुल अलैहा साहिबुहा व इन हा हदीस में आता है अल्लाह को सबसे ज़्यादा वो महबूब अमल महबूब है जो थोड़ा हो लेकिन पाबंदी के साथ हो तो तस्बीहात रखें तिलावत रखें और सबसे बड़ी बात यह कि ये फैसला करें कि भाई एतक में हमने गुनाहों से तोबा करनी है जब हम दस दिन बाद मस्जिद से निकलेंगे या ख़वातीन जो एहतक के कमरे में बैठती हैं हम जब दस दिन बाद एहतक ख़त्म होगा तो हमारे अंदर चेंजिंग आनी चाहिए कोई ना कोई गुना हमारी ज़िंदगी से ख़त्म होना चाहिए